आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। यहां बीते दो दिनों में बीते साल की अपेक्षा इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ पॉजिटिव केस मिले हैं। मंगलवार को पूरे विंध्य क्षेत्र में कुल 194 पॉजिटिव केस मिले, जिनमें सबसे ज्यादा रीवा में 60 केस मिले हैं, जबकि सतना में 46, सिंगरौली में 42, सीधी में 13 व पन्ना में 35 केस दर्ज किए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ से आने आवा जाने वाली बस सेवा पर भी रोक लगा दी है। इधर बात करें रीवा की, तो यहां मंगलवार को 712 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 60 नए संक्रमित केस मिले हैं। इसके अलावा कोरोना संदिग्ध एक बुजुर्ग की बीते दो दिनों से चल रहे उपचार के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते 1 अप्रैल से लेकर अब तक यहां 282 केस सामने आए, जिनमें शहर के नेहरू नगर, निफनिया और राहत बिछिया में सबसे अधिक केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार रीवा जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 309 हो गई है, तो वहीं अब तक कुल 4682 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो यह थी रीवा सहित विंध्य क्षेत्र की कोरोना अपडेट रिपोर्ट, जिसमें मंगलवार को पूरे विंध्य के में कुल 194 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस रीवा में मिले। रीवा में 60, सतना में 46, सिंगरौली में 42, सीधी में 13 व पन्ना में 35 केस दर्ज किए गए हैं।